दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फायर सेफ्टी ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम आपको पंप रूम के बारे में बताएंगे। पंप रूम में कौन कौन सी पंपें होती हैं, कैसे काम करती है, उनका क्या काम है। उसके अलावा आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को आपको मिल सकें। दोस्तों अभी हम फायर पंप रूम में खड़े हैं। ये हमारा फायर पंप रूम है सर, ये हमारी पंप है, ये हमारा स्टार्टर पैनल है, फायर वार्निंग पैनल है। इन्हीं के थ्रू हम इन पंपों को एक्टिवेट करते हैं, चलाते हैं। ये हमारा स्प्रिंकलर पंप का पैनल है, स्प्रिंकलर पंप में जो हमारी दूसरा, ये हमारा फायर इंजन का पैनल है, ये हमारा जॉकी पंप का है और ये हमारा फायर फाइटिंग का पैनल है। फायर फाइटिंग यानी कि मेन पंप का ये पैनल है हमारा। बेसिकली हमें ये पैनल जब हम स्टार्ट लगाते हैं या यूज करते हैं, इन्हीं के थ्रू हम इसको एक्टिवेट करते हैं। पंप को बंद करना है, ऑफ करना है, कट ऑफ करना है, मैनुअली करना है, तो इसके ये सिलेक्टर स्विचेस के थ्रू हम इनको पंपों को बंद करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये हमारी जॉकी पंप है, ये हमारी जॉकी पंप है। बेसिकली इस पंप का काम है कि प्रेशर को मेंटेन करना, लाइन में प्रेशर है उसको मेंटेन करना। भाई मान के चलो हमने लाइन से पानी निकाल लिया, एक दो बाल्टी पानी निकाल लिया यूज करने के लिए, तो उस एरिया को कवर करने के लिए, उस जगह को भरने के लिए इस पंप का हम यूज करते हैं। ये हमारी जॉकी पंप है। जॉकी पंप का काम प्रेशर को मेंटेन करना। दूसरी पंप होगी हमारी मेन हाइड्रेंट पंप। ये हमारी मेन हाइड्रेंट पंप है, ये उस कंडीशन में यूज होती है जब ज्यादा आग लग गई, भयंकर आग लग गई, उसमें हमें पानी की ज्यादा जरूरत है, पानी जब हमें ज्यादा चाहिए उस कंडीशन के लिए हम ये मेन हाइड्रेंट पंप यूज करते हैं। ये हमारी 6 kg पर स्टार्ट होगी, इसका जो प्रेशर है 6 kg पर स्टार्ट होगी, ऑटोमेशन में 6 पे स्टार्ट होगी और कट ऑफ हमें मैनुअल करना पड़ेगा। कट ऑफ हमारे हिसाब से यानी ऑफ हमें अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन स्टार्ट ऑटो में होगा। ऐसे ही हमारी जॉकी पंप है, ये स्टार्ट होगी हमारी 9 kg पर, 9 kg पर स्टार्ट होगी और कट ऑफ 10 पे हो जाएगी, यानी कि ये बंद ऑटो में होगी, स्टार्ट भी ऑटो में होगी। ये स्टार्ट ऑटो में होगी लेकिन बंद मैनुअली होगी, हमारे अकॉर्डिंग बंद। तीसरी पंप है हमारी स्प्रिंकलर पंप। ये हमारी स्प्रिंकलर पंप है, ये स्प्रिंकलर लाइन के लिए, स्प्रिंकलर में लाइन में पानी देने के लिए हम स्प्रिंकलर पंप का यूज करते हैं। स्प्रिंकलर लाइन हमारी अलग से स्प्रिंकलर लाइन जा रही है, ये अलग से हेडर जा रहा है स्प्रिंकलर लाइन का, और ये इसके लिए होता है। बीच में ये हमारा हेडर है, बीच में हमारी एनआरओ लगी है, पाल लगा है। एनआरओ का काम है कि इस जाने में, यानी कि ये जो स्प्रिंकलर पंप है ये पानी ले सकती है, इधर का पानी उधर नहीं जाए, उधर का पानी इधर जाए, ये पानी ले सकती है लेकिन दे नहीं सकती, इसलिए हम ये एनआरओ के बाद मेन हेड पे लगा कर, ठीक है जी। उसके अलावा चौथा हो गया हमारा फायर इंजन। फायर इंजन बोलते हैं इसको, फायर इंजन का काम है इन केस ऑफ फायर, आग लगने पर जब हम पावर सप्लाई कट कर देते हैं, पावर सप्लाई हमारी कट हो जाती है, उस कंडीशन में हमें लाइन को चार्ज करना, फायर लाइन को चलाना है, फायर लाइन में पानी देना है, उसके लिए हम ये फायर इंजन का काम करते हैं, जो कि बैटरी से स्टार्ट होता है और डीजल से स्टार्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, ये हमारा डीजल टैंक दे रखा है इसके लिए, और इसके अलावा ये हमारी बैटरी देती है, दोनों के उससे ये काम करेगा, इसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। फायर इंजन का यही काम है, इन केस ऑफ फायर, आग लगने पर हमारे सब पावर सप्लाई कट कर दे, उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं।